mereço. A vida vai trazer quem eu mereço. तो हेलो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर फ्री फायर वीडियो। तो भाई लोग, आज सबका मतलब सब लोग यही बोलते आ रहे हैं कि एडम कैरेक्टर यूज़ करो, ये यूज़ करो परमानेंट गन स्किन के लिए, बट ये ट्रूथ नहीं है। देखो अभी अब अगर आपको गोल्ड रॉयल चाहिए ना, तो मॉर्निंग 9-4 के बीच में कर देना, 100% गोल्ड रॉयल का आ जाएगा। अगर डायमंड रॉयल चाहिए तो मॉर्निंग 9-10:30 के अंदर कर देना। अगर वेपन रॉयल चाहिए ना, 10 स्पिन करना है। अगर आप लकी हो तो एक दो स्पिन में आ जाएगा। तो अभी मैंने एडम कैरेक्टर नहीं लिया है, तो मुझे शॉटगन भी ऐसे ही मिला था। देखो क्योंकि शॉटगन ऑलरेडी थी ना मेरे पास, तो सब कुछ एक देखो, पहले आपको एक सिंगल लूट क्रेट ओपन करना है, देखते हैं। अगर आप फ्लो फोर ओपन करो कंपलसरी एक आएगा, देखना अभी, देखा 100% एक आएगा, ऐसा ही है। बट एक ही के मामले में अलग है, 3 ओपन करने चाहिए थे बट मैंने 4 ओपन कर दिए गलती से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, 3 ओपन करो एट ए टाइम, पहले एक सिंगल ओपन करना, बाद में 3 लूट क्रेट एट ए टाइम ओपन करना, 100% आएगा। एंड अगर आप यही चीज़ एडम कैरेक्टर के साथ करोगे तो भी सेम इक्वल रेशियो है। तो अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि ये है वो है, बट नहीं, देखो फायरी शॉटगन था मेरे पास, अभी तक परमानेंट नहीं मिला। मैंने सारे ट्रिक ट्राई करे आप लोग के लिए, बट सिंपल है। अगर आपके पास डायमंड है ना, तो एनिवर्सरी के दिन तक वेट करना, जो फ्री फायर का 2nd एनिवर्सरी आने वाला है, आपको ज़रूर मिलेगा। अभी कुछ स्पिन मत करना क्योंकि एनिवर्सरी के दिन ऑब्वियसली बहुत कम में देने वाले हैं वो लोग, तो आप लोग वेट करना। अगर आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है, तो 100% मिलेगा आपको। जो कुछ भी परमानेंट स्किन चाहिए ना, तो ज़रूर ट्राई करना उस दिन, क्योंकि अगर आप उस दिन ट्राई करोगे तो अच्छी बात है भाई, और कॉस्ट भी कम हो जाएगा। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि एडम कैरेक्टर यूज़ करो अर्ली मॉर्निंग करना, बट ए रेशियो से याद रखना, वेपन रॉयल चाहिए तो पहले एक स्पिन करो, दूसरा स्पिन करो, बाद में 10 स्पिन करो, 100% मिल जाएगा किसी भी टाइम में। अगर गोल्ड रॉयल चाहिए ना, देन टाइमिंग इज 2-4 के बीच में अर्ली मॉर्निंग। अगर डायमंड रॉयल चाहिए तो मॉर्निंग के टाइम करना, 9-12 या 10-12 के बीच में करना, 100% मिल जाएगा 1-2-3 स्पिन में। तो यही है, अगर आप समझोगे तो एडम कैरेक्टर, यार एडम का कुछ नहीं होता है भाई, बस ऐसे ही बोलते कि नूब को ट्राई करो, नूब के साथ होता है। बहुत से लोगों को ना भाई सक्सेस रेशियो जो है ना, नूब कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। मैंने एक बंदे को देखा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसको ऑलमोस्ट उसने जितने भी स्पिन किए 1st-2 स्पिन में मिल गए। तो अगर आप भी लकी हो ना, तो पहले एडम के साथ ट्राई करना। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ एडम के साथ, इट डजेंट वर्क, बिलीव मी, डजेंट वर्क, ये काम नहीं करने वाला है भाई। तो आपको ना जस्ट सिंपली बता रहा हूँ, अगर आपके पास 5 लूट क्रेट है, तो एक एक के मामले पहले एक ओपन करना, बाद में दूसरा ओपन करना, बाद में 3 एट ए टाइम, क्योंकि मुझे M1014 ऐसे ही मिला, एंड फार्मर्स जो है ना ब्लू मून वाला वो भी ऐसे ही मिला मुझे। एंड डायमंड रॉयल थिंग्स देखो, टॉप गेमर स्किन मुझे मैजिक क्यूब के साथ मिला, देखो वो पहला है, एंड ये दूसरा लकी रॉयल। जितने भी स्पिन मैं चाहता हूँ ना, डायमंड रॉयल मुझे मिल जाते हैं। मेरे पास 5-6 सेट है डायमंड रॉयल के, वो भी मेरे पास जब डायमंड नहीं होते ना भाई, तो मैं स्पिन नहीं करता, इसीलिए थोड़े चीज़ मेरे पास नहीं है। तो देखो इनमें से वो एक है, देखो ये वाला जो है ना, ये हमें फ्री में मिला था, एंड ये इससे पहले वाला ये भी है मेरे पास, एंड ये परसों मिला। एंड पॉइंट के हिस्से में देख सकते हो, बहुतर डायमंड रॉयल के है एंड एलेट पास के। तो अगर आपको चाहिए तो जो टाइमिंग में बोल रहा हूँ ना, पूरे वीडियो में इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, तो आप इस टाइमिंग के बेस से स्पिन करो, 100% मिल जाएगा। एडम कैरेक्टर लेने के बाद 1-2 स्पिन्स करना, उसके बाद आप एडम कैरेक्टर लोगे भी तो भी नहीं आएगा, नहीं लोगे तो भी नहीं आएगा। तो नॉर्मल कैरेक्टर से भी कर लो, ओके। बहुत से बंदे बोलते हैं नूब कैरेक्टर से होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नूब कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप
के किस्मत में है तो आ जाएगा, अगर किस्मत में नहीं है तो नहीं आएगा। जो टाइमिंग मुझे बोलनी है ना, ये बहुत लोगों ने मुझे बोला, जितने भी बंदों को पूछा कुछ इस टाइम पे हो रहा है ऐसा बोला। मैजिक क्यूब का भी आफ्टरनून का टाइमिंग है, मैजिक क्यूब कुछ 2-3 कुछ इस टाइम पे आ जाएगा। ओके, तो यही बोलना था मुझे भाई लोग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving.